गोरखा हित सर्वोपरि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ की फायरिंग। गोरखा सैनिक एवं भारतीय सैनिक के हवलदार दीपक कार्की शहीद। एक तरफ चीन ने गलवान घाटी में भारत के नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना के हवलदार दीपक कार्की गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान वह भारत माता के सपूत वीर सपूत शहीद हो गए। इसकी सूचना शहीद परिवार को भी दी गई है। दीपक के शहीद होने की खबर से पूरे घर में कोहराम समझ गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का दौर लगातार जारी है। शनिवार को पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में दो इलाकों और राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में काफी जमकर गोलाबारी की थी। बारामूला में LOC से हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 6 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। वीर गोरखा वेब टीवी भारतीय सेना के जाबाज गोरखा सैनिक दीपक कार्की को उनकी शहादत के लिए गोरखा सलाम करता है।